जय हिंद। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं तो उससे मुझे ये चीज़ पता लगती है कि बहुत से लोगों को CSD प्राइस लिमिट और बेस प्राइस लिमिट में काफ़ी कन्फ्यूजन है। वो लोग बेस प्राइस लिमिट को ही अपनी CSD प्राइस लिमिट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बेस प्राइस लिमिट एक अलग चीज़ है और CSD प्राइस लिमिट अलग चीज़ है। रैंक वाइज बेस प्राइस लिमिट तो फिक्स है, लेकिन जो CSD प्राइस लिमिट होती है वो डिफरेंट कार्स के लिए डिफरेंट होती है। तो किस कार के लिए आपकी क्या CSD प्राइस लिमिट है ये बहुत कम लोगों को पता है। आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस कार के लिए आपकी क्या CSD प्राइस लिमिट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप कितनी कार CSD से परचेज कर सकते हैं, क्या आपकी बेस प्राइस लिमिट है और क्या आपकी CSD प्राइस लिमिट है। इंडिया में डिफरेंट सेगमेंट की कार्स पे डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है। EV पे जहाँ 5% GST लगता है, बाकी सभी पेट्रोल, CNG, डीजल, हाइब्रिड कार्स पे 28% GST लगता है, लेकिन जो सेस है वो 1 से लेके 22% तक लगता है। और आपकी जो CST प्राइस लिमिट में इतना वेरिएशन होता है सेगमेंट वाइज कार्स पे, वो सेस की वजह से ही होता है। तो आप अभी देख सकते हैं कि किस सेगमेंट की कार्स पे कितना परसेंट GST और कितना परसेंट सेस लग रहा है। सबसे पहले अगर बात करें पे लेवल 10 टू 18 की, तो ये 20 लाख बेस प्राइस तक की कार CSD से परचेज कर सकते हैं और हर 8 साल में एक कार CSD से परचेज कर सकते हैं। पे लेवल 10 टू 18 कैटेगरी में तीनों सेनाओं के जो रैंक्स आते हैं वो आप अभी देख पा रहे हैं। आर्मी में जो ओनरी लेफ्टिनेंट, ओनरी कैप्टन रैंक मिलती है, और इसके इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स और नेवी में भी जो रैंक्स मिलती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती है, यानी वो भी हर 8 साल में 20 लाख रुपये बेस प्राइस तक की एक कार CSD से परचेज कर सकते हैं। CSD में जो भी कार लिस्टेड होती हैं वो ऑफिसर्स की लिमिट में आती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने CSD प्राइस तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार CSD में लिस्टेड हो सकती है, तो जो ऑफिसर्स की बेस प्राइस लिमिट है वो 20 लाख है, और जो GST होता है वो 28% लगता है, लेकिन उसमें से 14% CGST होता है और 14% SGST होता है। तो जो CSD में है वो CGST पे नहीं करना पड़ता है, तो जो 14% SGST हो गया बेस प्राइस का, वो 2,80,000 रुपये हो जाता है। CSD 0.5% जो है प्रॉफिट भी लेती है, तो वो 10,000 रुपये हो जाता है। सेस जो है इन कार्स पे 15% लगता है, और ये 15% सेस बेस प्राइस, SGST और CSD प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे 15% कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो भी 10 लाख से ऊपर के CSD प्राइस की कार होती है उस पे 1% TCS भी पे करना होता है, जो CSD प्राइस में इंक्लूडेड होता है, और ये 1% TCS जो है बेस प्राइस, SGST, CSD प्रॉफिट और सेस, इन चारों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका 1% कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब मिला के जो CSD प्राइस लिमिट आती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स के लिए ऑफिसर्स की, वो 26,59,835 रुपए हो जाती है, यानी CSD में 26,59,835 रुपीज CSD प्राइस तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लिस्टेड हो सकती है। और अब अगर बात करें पेट्रोल या डीजल कार की, तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो भी सेम रहेगी, SGST भी सेम रहेगा, CSD प्रॉफिट भी सेम रहेगा, लेकिन सेस जो है मैक्सिमम इन कार्स पे 22% लगता है, और ये 22% सेस बेस प्राइस, SGST और CSD प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आता है, यानी इन पे टोटल 5,03,800 रुपीज तक का सेस लगता है। TCS 1% लगता है, जो ऊपर के चारों अमाउंट्स इनको ऐड करने के बाद आएगा, जो कि 27,938 रुपीज हो जाता है। तो यानी पेट्रोल और डीजल कार की अगर बात करें, तो जो मैक्सिमम CSD प्राइस लिमिट की कार CSD में लिस्टेड हो सकती है वो 28,21,738 रुपीज तक की हो सकती है। और अब अगर EV कार्स की बात करें, तो जो बेस प्राइस लिमिट अदर कार्स के लिए 20 लाख है, उसमें आपको एडिशनल 5 लाख की और लिमिट मिलती है, यानी टोटल जो ऑफिसर्स की EV कार्स के लिए लिमिट हो जाती है वो 25 लाख बेस प्राइस लिमिट हो जाती है। और EV कार्स में एक और रिलैक्सेशन मिलता है कि जैसे वैसे अदर दो कार्स आप परचेज करते हैं तो 8 साल का गैप होना चाहिए, लेकिन आपने अगर लास्ट कार पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड कार परचेज की है और अब आप फर्स्ट टाइम EV परचेज कर रहे हैं, तो आपको केवल 6 साल का गैप चाहिए, यानी आप 6 साल के बाद ही फर्स्ट EV परचेज कर सकते हैं। ये केवल फर्स्ट EV में है 6 साल का। अगर आप फिर सेकेंड टाइम EV परचेज तो तब आपको 8 साल ही वेट करना पड़ेगा। और अगर EV कार्स की CSD प्राइस लिमिट की बात करें, तो जो ऑफिसर्स की बेस प्राइस लिमिट रहेगी इन कार्स के लिए वो 25 लाख रहेगी। SGST 2.5% पे करना पड़ेगा, जो कि 62,500 रुपीज़ हो जाता है। CST प्रॉफिट 0.5% रहेगा, जो कि 12,500 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ऑफिसर्स की जो CST प्राइस लिमिट है वो 25,75,000 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें पे लेवल 6 to 9 की, तो ये 10 लाख बेस प्राइस तक की कार CSD से परचेज कर सकते हैं, और टोटल 5 कार अब ये CSD से परचेज कर पाएंगे। दो कार के बीच में यहाँ पे भी 8 साल का गैप होना ज़रूरी है, और फर्स्ट कार वो 5 साल की सर्विस होने के बाद ये CSD से परचेज कर सकते हैं। ये टोटल जो 5 कार परचेज कर सकते हैं, अगर लाइफ टाइम में ये 5 कार परचेज कर लेते हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने लाइफ में 5 कार परचेज नहीं की, 4 की, 3 की, यानी जितनी भी कम कार परचेज की है, तो जो कार इनके कोटे में बची हैं तो वो इनकी विडो या फिर नेक्स्ट ऑफ किन भी CST से परचेज कर सकते हैं।
पे लेवल 6 to 9 कैटेगरी में आर्मी के नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक, नेवी के CPO एंड MCPO और एयरफोर्स के JWO से लेकर MWO तक इस कैटेगरी में आते हैं। और अब अगर CST प्राइस लिमिट की बात करें तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 cc से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम है तो बेस प्राइस लिमिट तो 10 लाख रुपए रहेगी। इन कार्स पे 28% GST लगता है जिसमें से 14% SGST होता है और 14% CGST होता है। CST में CGST पे नहीं करना पड़ता इसलिए केवल 14% SGST लगेगा जो कि 1,40,000 रुपये हो जाता है। CST प्रॉफिट 0.5% पे करना होता है जो कि 5,000 रुपीज़ हो जाता है। सेस इन कार्स पे 1% लगता है जो कि बेस प्राइस, SGST और CST प्रॉफिट इन तीनों को ऐड करने के बाद उसका 1% कैलकुलेट किया जाता है जो कि 11,450 रुपये हो जाता है। TCS भी 1% पे करना होता है जो कि 10 लाख से ऊपर की कार्स पे करना होता है। तो ये जो TCS, ये बेस प्राइस, SGST, CST प्रॉफिट और सेस इन चारों को ऐड करने के बाद उसका 1% कैलकुलेट किया जाता है जो कि 11,565 रुपये हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCO's की जो CST प्राइस लिमिट है वो 1,68,015 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका पेट्रोल इंजन 1200 cc से ज़्यादा है और 1500 cc से कम है, लेंथ चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे अंडर 4 मीटर हो या फिर ओवर 4 मीटर हो, तो जो बेस प्राइस लिमिट, SGST और CST प्रॉफिट है वो तो सेम रहेगा लेकिन सेस फिर इन कार्स पे 17% लगेगा जो कि 1,94,650 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% इन कार्स पे 13,397 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो CST प्राइस लिमिट है JCO की वो 13,53,047 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की तो बेस प्राइस लिमिट, SGST और CST प्रॉफिट तो सेम रहेगा लेकिन सेस इन कार्स पे 15% लगता है जो कि 1,71,750 रुपीज़ होता है। TCS भी 1% लगेगा जो कि 13,168 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCO's की जो CST प्राइस लिमिट है वो 13,29,918 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका डीजल इंजन 1500 cc से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम है तो बेस प्राइस लिमिट, SGST और CST प्रॉफिट सेम रहेगा। सेस इन कार्स पे तब 3% लगता है जो कि 34,350 रुपीज़ होता है। TCS भी 1% लगेगा जो कि 11,794 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCO's की जो CST प्राइस लिमिट है वो 11,91,144 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका डीजल इंजन तो 1500 cc से कम है लेकिन लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा होती है तो बेस प्राइस लिमिट, SGST और CST प्रॉफिट तो सेम रहेगा लेकिन सेस तब 17% लगेगा जो कि 1,94,650 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% रहेगा जो कि 13,397 रुपीज़ रहेगा। तो इन कार्स के लिए JCO's की जो CST प्राइस लिमिट है वो 13,53,047 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका इंजन 1500 cc से ज़्यादा है, फिर चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है और लेंथ चाहे कुछ भी हो, तो उन कार्स पे भी बेस प्राइस लिमिट, SGST और CST प्रॉफिट तो सेम रहेगा लेकिन सेस तब 20% लगेगा जो कि 2,29,000 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% रहेगा जो कि 13,740 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो JCO's की CST प्राइस लिमिट है वो 13,87,740 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जो एज पर इंडियन गवर्नमेंट SUV की कैटेगरी में आती हैं, यानी जिनका इंजन 1500 cc से ज़्यादा है चाहे फिर वो पेट्रोल है या डीजल है, लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है तो वो SUV रहेंगे। उन पे क्या है कि बेस प्राइस लिमिट, SGST और CST प्रॉफिट तो सेम रहेगा लेकिन सेस तब 22% लगेगा जो कि 2,51,900 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% रहेगा जो कि 13,969 रुपीज़ होता है। तो इन कार्स के लिए जो JCO's की CST प्राइस लिमिट है वो 14,10,869 रुपीज़ हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो JCO's की जो बेस प्राइस लिमिट 10 लाख है नॉर्मल कार के लिए, EV के लिए 5 लाख की एडिशनल लिमिट मिलती है यानी टोटल 15 लाख की बेस प्राइस लिमिट हो जाती है। और अगर किसी JCO's ने भी पहले कोई पेट्रोल या डीजल कार ली हो और अब वो अगर वो EV ले रहे हैं तो उनको 8 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट EV पे वो 6 साल के बाद ही फर्स्ट EV अपनी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जब वो सेकेंड EV या फिर कोई भी कार परचेज करेंगे तो तब उनको 8 साल ही वेट करना पड़ेगा। EV's की CST प्राइस लिमिट की बात करें तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो 15 लाख रुपीज़ रहेगी। SGST 2.5% पे करना पड़ेगा जो कि 37,500 रुपीज़ हो जाता है। CST प्रॉफिट 0.5% पे करना पड़ेगा जो कि 7,500 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए JCO's की जो CST प्राइस लिमिट है वो 15,45,000 रुपीज़ हो जाती है।
और अब अगर बात करें पे लेवल 3 to 5 की, तो ये 8 लाख बेस प्राइस तक की कार CST से परचेज कर सकते हैं। अब ये टोटल 4 कार CST से परचेज कर पाएंगे, 2 कार के बीच में यहाँ पे भी 8 साल का गैप होना जरूरी है। ये लोग अपनी फर्स्ट कार 5 साल की सर्विस होने के बाद CST से परचेज कर सकते हैं। अगर किसी डिफेंस पर्सन ने अपने लाइफ टाइम में 4 कार CST से परचेज कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज उनके बाद उनकी विडो या नेक्स्ट ऑफ किन भी उनके कोटे में जितनी कार बची होंगी तो वो भी CST से परचेज कर सकते हैं। पे लेवल 3 to 5 कैटेगरी में आर्मी के सिपाही से लेकर हवलदार तक, नेवी के सीमैन से लेकर PO तक और एयरफोर्स के AC से लेकर सार्जेंट तक आते हैं। और अब अगर बात करें CST प्राइस लिमिट की, तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 cc से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम है तो बेस प्राइस लिमिट 8 लाख रहेगी। इन कार्स पे 28% GST लगता है, जिसमें से 14% CGST होता है और 14% SGST होता है। तो CGST जो होता है वो CST में पे नहीं करना होता है, तो आपको CST में केवल SGST 14% पे करना पड़ेगा, जो कि 1,12,000 रुपीज़ हो जाता है। CST प्रॉफिट आपको 0.5% पे करना पड़ेगा, जो कि 4,000 रुपीज़ हो जाता है। सेस इन कार्स पे 1% लगेगा, जो कि बेस प्राइस SGST CST प्रॉफिट इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसका 1% पे करना पड़ेगा, जो कि 9,160 रुपीज हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो ORs है उनकी जो CST प्राइस लिमिट है वो 9,25,160 रुपीज हो जाती है। अगर कार की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो फिर चाहे वो इंजन 1200 cc से कम भी हो तब फिर सेस 17% लगेगा। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका पेट्रोल इंजन 1200 cc से ज़्यादा और 1500 cc से कम है, जैसे ब्रेजा है, ग्रैंड विटारा है, क्रेटा है, तो ये सारी कार इस कैटेगरी में आती है, तो जो बेस प्राइस लिमिट SGST और CST प्रॉफिट है ये तो सेम रहेगा, लेकिन तब सेस 17% लगेगा, जो कि 1,55,720 रुपीज़ हो जाता है। और इन कार्स का फिर जब CST प्राइस है 10 लाख अगर क्रॉस कर जाता है तो 1% TCSP लगेगा, जो कि 10,718 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 10,82,438 रुपीज हो जाती है। और अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की, जैसे होंडा सिटी है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, अभी टोयोटा आई राइडर है, इसके जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो बेस प्राइस लिमिट SGST और CST प्रॉफिट तो सेम रहेगा। सेस इन कार्स पे 15% लगता है, जो कि 1,37,400 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% लगेगा, जो कि 10,534 रुपीज़ होता है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 10,63,934 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर उन कार्स की बात करें जिनका डीजल इंजन 1500 cc से कम है और लेंथ भी 4 मीटर से कम है, जैसे नेक्सोन है, XUV300 है या फिर वेन्यू है, तो इनके लिए जो बेस प्राइस लिमिट SGST और CST प्रॉफिट है वो तो सेम रहेगा। सेस इन कार्स पे 3% लगेगा, जो कि 27,480 रुपीज़ रहता है। तो जो ये ऊपर के 4 अमाउंट है टोटल, ये ऐड होने के बाद 10 लाख से नीचे ही रह जाते हैं, तो TCS 1% जो है वो नहीं लगेगा। तो इन कार्स के लिए जो CST प्राइस लिमिट है वो 9,43,480 रुपीज़ हो जाएगी। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका डीजल इंजन तो 1500 cc से कम है लेकिन लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, जैसे क्रेटा है, सेल्टोस है या कैरेंस है, तो बेस प्राइस लिमिट SGST और CST प्रॉफिट सेम रहेगा, तब सेस इन कार्स पे 17% लगेगा, जो कि 1,55,720 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% लगेगा, जो कि 10,718 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 10,82,438 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जिनका इंजन 1500 cc से ज़्यादा है, फिर चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, इस कैटेगरी में महिंद्रा थार आती है, तो बेस प्राइस लिमिट SGST और CST प्रॉफिट ये तो सेम रहेगा, लेकिन सेस तब इस कैटेगरी पे 20% लगता है, जो कि 1,83,200 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% लगेगा, जो कि 10,992 रुपीज़ होता है। तो इन कार्स के लिए जो ORs की CST प्राइस लिमिट है वो 11,10,192 रुपीज़ हो जाती है। और अब अगर बात करें उन कार्स की जो एज पर इंडियन गवर्नमेंट SUV की कैटेगरी में आती हैं, यानी जिनका इंजन 1500 cc से ज़्यादा है, फिर चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है, तो बेस प्राइस लिमिट SGST और CST प्रॉफिट सेम रहेगा। सेस तब 22% लगता है, जो कि 2,01,520 रुपीज़ हो जाता है। TCS 1% लगेगा, जो कि 11,176 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ORs की जो CST प्राइस लिमिट है वो 11,28,696 रुपीज हो जाती है। तो अब आपने देखा कि जो ORs की 8 लाख बेस प्राइस लिमिट है, लेकिन जो CST प्राइस लिमिट है वो कितनी वेरी करती है, वो 9,25,000 रुपीज से लेकर 11,28,000 रुपीज तक चली जाती है। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ORs को भी 5 लाख की एडिशनल लिमिट मिलती है, यानी ORs की EVs के लिए जो बेस प्राइस लिमिट है वो 13 लाख रुपीज़ हो जाती है। और अगर किसी ORs ने पहले पेट्रोल या डीजल कार परचेज कर ली है, तो वो नेक्स्ट EV अगर फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो उनको 8 साल की जगह 6 साल के वेट पे ही वो फर्स्ट EV परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद चाहे वो नेक्स्ट EV परचेज करे या पेट्रोल डीजल कार परचेज करे, फिर उनको 8 साल ही वेट करना पड़ेगा।
और अब अगर ईवीज के लिए सीएसडी प्राइस लिमिट की बात करें तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो 13 लाख रहेगी। एसजीएसटी 2.5% पे करना पड़ेगा जो कि 32,500 रुपीज़ हो जाता है। सीएसडी प्रॉफिट 0.5% पे करना पड़ेगा जो कि 6,500 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए ओआरस की जो सीएसडी प्राइस लिमिट है वो 13,39,000 रुपीज़ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी रैंक वाइज सभी कैटेगरी की कार्स के लिए आपकी क्या सीएसडी प्राइस लिमिट है वो पता चल गई होगी। यही था वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।